साई ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को महिला अत्याचार पर पत्र लिखा है। इसे लेकर सियासत प्रदेश में बढ़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में झांकने की सलाह दे दी, तो बीजेपी ने कांग्रेस को उनके 5 साल का शासन याद दिला दिया। देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला अत्याचार ने छत्तीसगढ़ में सियासी तपिश बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा, जिसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी। मामले पर कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कलकत्ता की सीएम ममता बनर्जी को लेटर लिखा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन राज्य में झांके, आदिवासी बच्चों का अपहरण हो रहा है, कवर्धा में महिलाओं की हत्या हो रही है, जला दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में है और हमारे सीएम राज्य को संभालने की बजाय दूसरे राज्य के सीएम को पत्र लिख रहे हैं। आज एक और खबर मिला है कि हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कलकत्ता के हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है इस तरह की कि उसमें आप संभालो, पर आप किसी के घर को झांकने के पहले अपने घर को देखिए, अपने राज्य को देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी क्या हो रहा है, आदिवासी बच्चियों का अपहरण हो रहा है। इधर कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बयानों में संवेदना होनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है, पिछले 5 सालों में प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखें, फिर सवाल उठाएं। लगातार 5 सालों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, लेकिन कांग्रेस उससे भूल गई है। इनको कमेंट करने के पहले कांग्रेस वालों को खुद पे देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रही है। और रहा सवाल जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी चिंता व्यक्त की उन्होंने। और भाजपा के कार्यकाल की, मैं कांग्रेस के कार्यकाल की अगर बात करूं, तो इनके ही जो वरिष्ठ नेता थे, हर छोटी छोटी बात में जो ये हमारे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, तो आज इनको चिट्ठी से इतनी तकलीफ किस बात की होने लगी, मैं ये जानकारी चाहती हूँ। विधानसभा चुनाव गवा चुकी कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के बहाने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और बीजेपी भी महिला अपराध को लेकर कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश सरकार के दौरान संचालित शराब दुकानों का भी मुद्दा उठा है। सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ की भी जांच की बात कही गई। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। विधानसभा में सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। ये नाम पर पंजीयन है, उसका संचालन करता, उसके खिलाफ में आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब अनियमितता हो रही है दुकान में, सरकार की दुकान में दो तरह की दारू बिक रही है और दो तरह की दारू बेचने वाले पकड़ में भी आ रहे हैं शिकायत के आधार पे, लेकिन एक के खिलाफ में कहीं, अरे गांव का आदमी अवैध दारू अगर लेके 5 बोतल 10 जाता तो उसको आप 6 महीने के लिए जेल में डाल देते। और ये इतना बड़ा सिंडिकेट इस प्रदेश में चलता रहा और वो भी उसके बाद में कोई उत्तर नहीं। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। क्या माननीय मंत्री जी ने कहा कि जरूर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में जांच होगी। रायपुर का जिक्र, जहां बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस समिति को बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नियुक्ति भी की है। शिवरतन शर्मा संयोजक बनाए गए हैं। भूपेंद्र सवन्नी, साथ ही साथ सौरभ सिंह, सरला कोसरिया का भी नाम शामिल है, जो सह संयोजक के तौर पर काम करने वाले हैं। तो चुनाव प्रबंध समिति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा की तरफ से बनाई गई। और लोकसभा को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की कल रायपुर में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और पवन साय इस बैठक को आयोजित करवा रहे हैं। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होनी माना जा रहा है। बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस प्रकार की भी खबर से भारतीय जनता पार्टी और सभी प्रकार के अपने बैठकों को, कार्यक्रमों को, जो लोकसभा स्तर के हमारे क्लस्टर बने हुए हैं, हमारे लोकसभा की टीम बनी हुई है, उसके प्रभारी है, सह प्रभारी है, और विधानसभा स्तर पर भी हमारी टीमों का गठन हो चुका है।
हमारे जिले स्तर पर संगठन के जिलाध्यक्ष सहित मोर्चों के सभी हमारे अध्यक्ष महामंत्री इन सबकी हमारे सहप्रभारी आदरणीय नीति नवीन जी का कल आगमन हो रहा है, तो अलग अलग समय पर सबके साथ। और दंतेवाड़ा के बैलाडीला में ड्रिल के वक्त एक